रिफंड पोर्टल ये ये पोर्टल केवल उन सभी लोगों के लिए ही लॉन्च किया गया है जिनका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है उनको ऑनलाइन करने के लिए ये तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करेंगे सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग को इस वेबसाइट पे आना है देख लीजिए आप लोग ये कौन सी वेबसाइट है इस वेबसाइट को आप लोग गूगल अपने क्रोम ब्राउजर में चाहे गूगल में जो भी है उसमें सर्च कीजिएगा आप लोग ये वेबसाइट जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा ठीक है जो कि जैसे ही आप लोग उस वेबसाइट को ऑन करेंगे तो ठीक है सर्च मारिएगा आप लोग ऐसा आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन होगा सबसे पहले आप लोगों को कहाँ पर क्लिक करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा देखिए डिपोजिटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग बता स्टार्ट कर देना मैं आप लोगों का देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ जो कि येलो कलर का दिखा रही है दिखाई दे रहा है डिपोजिटर रजिस्ट्रेशन आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा जैसे इस प्रकार से कुछ इंटरफेस ओपन होगा आप लोगों के सामने ठीक है तो यहाँ से आप लोग का कीजिएगा जैसे कि यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स में आप लोगों का आधार का जो कि लास्ट फोर डिजिट है उसको आप लोग यहाँ पर डालिएगा आधार कार्ड नंबर का जो है उसका लास्ट का फोर डिजिट आप लोग यहाँ डालिएगा ठीक है और उसके बाद से आप लोग आधार से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसको आप लोग यहाँ डालिएगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं कि आप फर्स्ट में आप लोगों का डालना है आधार का लास्ट का चार अंक और सेकेंड में आप लोगों को डालना है आधार से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस, उसको इस बॉक्स में डालना है और उसके बाद से जैसे ही आप लोग डालिएगा उसके बाद से आप लोग यहाँ पे आधार गेट ओ टी पे क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा जैसे कि कुछ इस प्रकार से इस इंटरफेस ओपन होगा आप लोगों को इंटरफेस ओपन होगा और आप लोगों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आप लोगों को ओ भेजा गया भेजा जाएगा और उस ओ को आप लोग इस बॉक्स में डालिएगा देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा इस बॉक्स में आप लोगों को ओ टी को डालना है और ओ डालने के बाद आप लोग को यहाँ पर वेरीफाई लिखा, जो लिखा है ए, आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट एक बार हो जाने के बाद से आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है डायरेक्टली यहाँ पे क्या देखिए डिपॉजिटर लॉगिन देखिए जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है डिपॉजिटर लॉगिन इस पर क्लिक करना है इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा तो देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसा इंटरफेस ओपन होगा देखिए आप लोगों के सामने कुछ ऐसा ही ओपन होगा जब आप लोग डिपॉजिटर लॉइन पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें आप लोगों को क्या करना है आधार का लास्ट का फोर डिजिट नंबर डालना है उसके बाद से आप लोगों को आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओ टी पी पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग गेट ओ टीपी पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ से आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर पर ओ भेजा जाएगा उसको आप लोग यहाँ पर डाल डाल के और वेरीफाई ओ पर क्लिक कीजिएगा देखिए आप लोगों को वेरीफाई ओ पर क्लिक करना है और ओ को आप लोग इस बॉक्स में डालना है तो आप लोग यहाँ पर डाल के वेरीफाई ओ पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि आप लोगों का जो फॉर्म है आप लोगों का पूरा टोटल छः स्टेप में आप लोगों का ये फॉर्म भरा जाएगा पहले फॉर्म पहला पहला आप लोगों का यू आई डिक्लेरेशन था उसके बाद ही आप लोग डिक्लेरेशन दे दीजिएगा आप लोग इस पर टर्म एंड कंडीशन जो बॉक्स है इस पर टिक टिक कीजिएगा और आई एग्री पर करके नेक्स्ट कर दीजिएगा ठीक है आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा उसके बाद से आप लोग यहाँ से क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप लोगों लोग के सामने कुछ ऐसा कीजिएगा आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा उसके बाद से आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड का फुल नंबर डालिएगा जो भी आप लोग आधार का आधार कार्ड का नंबर है उसको टोटल नंबर डालिएगा और उसके नीचे आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग इसके बगल में देखिए यहाँ पर दिया है गेट ओ आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का रजिस्टर आधार जो भी आधार पर लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर आप लोगों का एक ओ भेजा जाएगा और उस ओ को आप लोग इसमें पर फर दीजिएगा जो कि फिल कर दीजिएगा इंटर ओ टीपी जहां पर दिया गया है उसमें आप फिल कीजिएगा और उसमें फिल करने के बाद आप लोग गेट वेरीफाईटी पर क्लिक वेरीफाई वेरीफाई पर पर क्लिक कर पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग कीजिएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा कुछ इस प्रकार से ठीक है उस इस प्रकार से ओपन होगा तो आप लोग यहाँ से ओ टी देख के डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा देखिए मैं सारा आप लोगों को प्रोसेस बता दिया हूँ कैसे कैसे ओ को भरना है अब आप लोगों के सामने उसके बाद जब वेरीफाई कर लीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक ऐसा ओपन हो जाएगा इंटरफेस इसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना क्या डालना है देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पर दिया है ना फर्स्ट नेम तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट नेम में यहाँ पर डालना है आप लोग का अपना नाम आप लोगों का नाम उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम में देखिए मिडिल नेम दिया है मिडिल में आप लोगों का पहला नाम जैसे देखिए जैसे आप लोगों का नाम राजेश है तो आप लोग राजेश डालिएगा और उसके बाद आता है कुमार अगर आप लोगों का कुमार है तो दीजिएगा नहीं है तो नहीं दीजिएगा तो अगर कुमार होगा तो इस बीच वाले बॉक्स में डालिएगा और उसके बाद लास्ट नेम में डालिएगा आप लोग जैसे कि आप लोगों का कोई कास्ट होगा यादव गोण जो भी आप लोगों का कास्ट होगा वो लोग आप लोग लास्ट बॉक्स में डालिएगा अगर आप लोगों का कास्ट है तो डालिएगा नहीं है तो आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का केवल राजेश कुमार है तो राजेश को आप लोग फर्स्ट में डाल दीजिएगा और कुमार को लास्ट में डाल दीजिएगा ठीक है और अगर अगर आप लोगों का राजेश कुमार और कोई जात है तो आप लोग फर्स्ट में राजेश डालिएगा सेकंड में कुमार डालिएगा और थर्ड में आप लोग यादव डाल दीजिएगा ऐसे करके आप लोग डाल दीजिएगा उसके बाद इस बॉक्स में आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्लिक करना है जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद से आप लोग अपना फादर नेम हस्बैंड नेम जो भी अगर किसी औरत के नाम से हो तो अपने हस्बैंड का नेम दे सकती हैं या फिर फादर का नाम दे सकती हैं ठीक है और उसके बाद से आप लोगों के सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा उसके बाद आप लोगों के सामने ये ऐसा कुछ आएगा और उसके बाद आप लोग ईमेल आईडी आई यहाँ पर दे दीजिएगा अगर ईमेल आईडी है तो डालिएगा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग छोड़ सकते इस इस बॉक्स को ब्लैंक ही उसी तरह और उसके बाद से अगर ईमेल आईडी है तो सेव ईमेल आईडी पर क्लिक कीजिएगा ठीक है और यहाँ पे से, सिम से सेव कर दीजिएगा आप लोगों का सेव हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा देखिए तो उसके बाद आप लोग का तीसरा स्टेप खुल जाएगा और तीसरा स्टेप खुल जाएगा आप लोगों के सामने तो आप लोग सबसे पहले सोसाइटी का नेम सोसाइटी का नेम में जो दिया गया है ना इस बॉक्स पर जो आप लोग ओपन कीजिएगा ना तो इसमें टोटल चार आप लोग का सोसाइटी का नेम दिया जाएगा और उन चारों में से आप लोग देख लीजिएगा कौन सा कंपनी जो सोसाइटी आपकी है और आप ये चीज आपको चेक करने के लिए आपकी कौन सी सोसाइटी है तो आपका जो भी होगा ना वो आ, सर्टिफिकेट सहारा का ओरिजिनल सर्टिफिकेट उस पर आप लोगों को लिखा गया होगा सहारा कौन सी कंपनी का आपका सर्टिफिकेट है ऊपर में लिखा गया होगा ठीक है तो उस सर्टिफिकेट का नाम देख करके आप लोग उसी सोसाइटी उस, का सॉरी आप लोग सोसाइटी का नाम देख करके आप लोग उसी सोसाइटी का नाम यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद से आप लोग यहाँ पे अपना मेंबरशिप नंबर डालिएगा देखिए

इसमें आप लोगों के नीचे आप लोगों को सर्टिफिकेट पर एक अकाउंट नंबर दिया गया होगा उस अकाउंट नंबर को आप लोग यहाँ पर फिल कीजिएगा ठीक है और उसके बाद से आप लोग अपना रिसिप्ट नंबर डालिएगा रिसिप्ट नंबर आप लोगों को सारा कुछ रिसिप्ट मिल जाएगा और उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर डालना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या फिर पासबुक नंबर डालिएगा आप लोगों को सब कुछ मिल जा जाएगा आप लोगों के पासबुक पर और यहाँ पर आप लोग अकाउंट ओपनिंग डेट जो दिया गया है ना देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट इसमें आप लोग अपना अकाउंट ओपनिंग बैंक अकाउंट ओपनिंग डेट नहीं डालिएगा इसमें आप लोग जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट मिला वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था आप लोगों का कब से जो कि पैसा जमा कर रहे हैं सहारा में तो सहारा उसके बाद से आप लोगों से जो भी सर्टिफिकेट उस पर दिया गया होगा डेट कि किस डेट से ओपनिंग हुआ था तो उस डेट को आप लोग इस बॉक्स में डाल दीजिएगा उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे देना है डिपॉजिटर अमाउंट आप लोगों ने कितना पैसा जमा किया था सहारा में उस पैसा को आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा इस बॉक्स में और उसके पास ये दो दोनों दोनों बॉक्स दिख रहा है ना इन दोनों बॉक्स में किसी बॉक्स पे भी क्लिक मत कीजिएगा आप लोग छोड़ दीजिएगा ऐसे ही नहीं तो आप लोगों का पैसा रिफंड लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा और उसके पास अपलोड डिपॉजिटर सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों का सहारा का सर्टिफिकेट है आप लोग यहाँ पर अपलोड करके और जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट अपलोड करके इसमें चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा गैलरी में जाइएगा गैलरी में जाकर फोटो को सेलेक्ट करके और अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पर जब अपलोड कर दीजिएगा तो आप लोग देखिए और जो भी फाइल अपलोड कीजिएगा उसकी साइज आप लोगों की दो सौ से नीचे की होनी चाहिए और पी डी एफ जो भी फॉर्मेट हो आप लोगों का हो लेकिन आपकी साइज दो सौ से कम की होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद से आप लोग यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा एड क्लेम पर और जैसे ही आप लोग एड क्लेम पर क्लिक कीजिएगा आप लोगों का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और सक्सेसफुली हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्लेम एडेड सक्सेसफुली और अगर आप लोगों का जैसे कि एक से अधिक है तो तो भी आप लोग इसमें फिर दोबारा से जब एड क्लेम पे क्लिक कीजिएगा तो सारा कुछ ब्लैंक हो जाएगा और सारा कुछ जब ब्लैंक हो जाएगा तो फिर आप शुद्ध अगर दूसरी दूसरी सर्टिफिकेट को जो भी आपकी सोसाइटी होगी फिर वैसे ही सोसाइटी को सेलेक्ट कीजिएगा जैसे जैसे सारा कुछ भरे हैं पहला वाला वैसे ही दूसरा को भी भरिएगा और फिर लास्ट में आके यहाँ पे एड क्लेम पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे यहाँ पर जैसे एक दिखा रहा है तो अगर दो होगा तो आपका दो दिखाएगा फिर तीन होगा तो तीन दिखाएगा जितना भी आप लोगों का होगा सर्टिफिकेट उतना अपलोड कर दीजिएगा एड क्लेम पर क्लिक करके और यह ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक ही अगर एक बार आप लोग लॉग करके एक बार कर दिए तो फिर दोबारा नहीं होगा सबमिट करने के बाद तो आप लोग जितना भी होगा आप लोग एक ही बार में अपलोड कर दीजिएगा और उसके बाद से नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा अपलोड करने एड क्लेम क्लिक करने नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन आएगा जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट आप लोग फिर इस पे, इसके बाद भी आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा सहारा की तरफ से देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्म होगा ये फॉर्म का आप लोगों को प्रिंट निकलवाना होगा ठीक है आप लोग जाकर के साइबर कैप से प्रिंट निकलवा लीजिएगा और प्रिंट निकलवा के यहाँ पे देखिए कुछ दिया होगा और आप में इसमें कुछ भरना होगा आपको देखिए यहाँ पे जैसे एड्रेस आपको भरना होगा और यहाँ पे आप लोगों को पा करेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालना होगा और फ़ोटो पर क्रॉस आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए ठीक है फोटो पर क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा देखिए सिग्नेचर क्रॉस द फोटो फोटो पर आप लोगों को क्रॉस सिग्नेचर मार देना है अपना और उसके बाद से यहाँ पर बैंक का नेम देखिए अब यहाँ पर देखिए आप दिया गया है और यहाँ पर बैंक का नेम दे, दे देना है आप लोगों को और उसके बाद ये डिक्लेरेशन है आप लोगों का डिपोजिटर का सिग्नेचर आप लोगों को दे देना है और यहाँ पर पैलेस देना है मोबाइल नंबर दे देना है और डिपोजिटर जो भी आपका नाम है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिका गया रहेगा सब कुछ इस पर ठीक है तो आप लोगों को ऐसा कुछ कर देना है और उसके बाद से आप लोगों को फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों का प्रिंट निकलवा के इसका फिर फोटो क्लिक कीजिएगा और फोटो क्लिक करके आप लोग फिर इसको अपलोड करना है आप लोगों को ठीक है तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग जब आइएगा उसको अपलोड करने के लिए तो यहाँ पे आप लोगों को ने, इस, ने, इस, नेक, इस नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा क्लेम अप्लीकेशन फॉर्म ठीक है तो इसमें आप लोग अपना चूज कीजिएगा फाइल चूज करके गैलरी में जाइएगा जो भी आप लोग अब फॉर्म जो डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट की करवा कर सिग्नेचर किया है उस फॉर्म को यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा ठीक है और उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड में पेन नंबर देना है अगर आपका आप अमाउंट पचास से ऊपर है तो पैन नंबर दे दीजिएगा और पैन कार्ड को भी अपलोड करना होगा तो अपलोड पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करना होगा चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा और यहाँ पर येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग अपलोड कर सकते हैं तो जैसे ही आप लोग अपलोड कीजिएगा और के बाद से आप लोगों को फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे चले जाइएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि थैंक यू योर क्लेम हैज़ बिन सक्सेसफुली रिसीव फॉर प्रोसेसिंग काइंड नोट द फॉलोइंग फॉर फ्यूचर जो कि रिफरेंस और उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर क्लेम डेट दे दिया जाएगा क्लेम एक्नोलॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाएगा आप लोगों का ये नंबर और इसका स्क्रीन शॉट लेके चाहे प्रिंट मार के जो भी है आप लोगों का रख सकते हैं और उसके बाद ये आप लोगों का पैंतालीस दिन के भीतर वेरीफाई कर करके आपका पैसा अकाउंट आपके अकाउंट में डिपोजिट कर दिया जाएगा रिफंड कर दिया जाएगा आप लोगों को और यहाँ से आप लोग एग्जिट पर दा के बाहर जा सकते हैं तो आप लोग ऐसे आप लोग पूरा कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिया कि आप लोग सहारा का पैसा ऑनलाइन कैसे रिफंड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट एक ऑनलाइन प्रोसेस कर करने का तरीका बता दिया आप लोग खुद अपने घर पर ही बैठे आप लोग इस तरीके को अपनाइएगा और ऑनलाइन कर सकते हैं तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा ही इफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आप इस चैनल पे एडुकेशन के आपके घर में बच्चे अगर होंगे तो एजुकेशन की तैयारी करने के लिए इस चैनल पर मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ तो ये भी चीज़ आप लोग इस चैनल पर मिल जाएगा उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आई तो मैं इस चैनल पर अपडेट कर देता हूँ तो आप लोगों का उसका भी इनफॉर्मेशन मिल जाएगा कोई ऑनलाइन फॉर्म आ गया तो आप लोगों को मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ वो भी आप लोगों का मिल जाएगा तो आप लोग इस चैनल के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनफॉर्मेशन पाने के लिए और देखने के लिए थैंक यू और आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग